अनोखी के ऊपर ब्लेम आ रहा है। दरअसल क्या होता है कि ये जो कुछ भी चल रहा है अभी, हम सब कोई कंफ्यूज्ड है। शौर्य खुद कंफ्यूज्ड है, अनोखी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या हो क्या गया है। शौर्य सर पे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? अचानक से आके रिजाइन करके चले गए, बोल रहे हैं कि वी वोंट आई वोंट टेक लेक्चर्स, नहीं लेंगे लेक्चर्स। तो बहुत कंफ्यूज्ड है, स्टूडेंट्स भी बहुत अपसेट है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अभी जो यहाँ पे सीन जा रहा है, बिकॉज बेसिकली क्या होता है ना, ही इज काइंड ऑफ जेलस दिखाया जा रहा है, पर वो खुद ही उसके फीलिंग्स के बारे में उसको खुद नहीं पता कि हो क्या रहा है अचानक से, बिकॉज ये पहले कभी नहीं हुआ उसके साथ। तो इसलिए वो क्लास वास छोड़ते, तो स्टूडेंट्स बहुत अपसेट है, बिकॉज ये प्रोफेसर कूल थे एंड सब उनको बहुत पसंद करते थे। तो जब मैं तो कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, तो कैंटीन में जब अभी काम कर रही हूँ अपना, तो सारे स्टूडेंट्स आपस में ही बात कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं जो बेबो किटी होता है वो ब्लेम करते, मतलब करते हैं मुझे इनडायरेक्टली कि कहीं रीज़न ये तो नहीं है कि इसी की वजह से तो नहीं। बिकॉज जब से मैं आई हूँ कब तब से ना सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है अनइंटेंशनली, बट यू नो ऐसे रिलेट कर रहे लोग। सो ऑब्वियसली सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं एंड आई एम वेरी अपसेट। एंड अचानक से जब मेरे फ्रेंड्स रीमा और माया मुझे बुलाते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या हुआ अनोखी, क्या नहीं, राइट में क्या हुआ, तो जब मैं बोलने जाती हूँ तो मुझे तो बस यही पता होता है कि यू नो ACP आ ही नहीं मेरी जान बचाई। मुझे तो पता ही नहीं है कि शौर्य सर ने मेरी जान बचाई। मैं जब बोल रही होती हूँ, शौर्य सर मतलब ही वॉन्टेड कॉफ़ी, तो आते हैं कैंटीन में एंड देन ही आस्क मी कि मतलब फिर वो सुन लेते हैं बेसिकली जो मैंने आहिर की फिर से तारीफ की। तो उसको बहुत इरिटेशन, मतलब ही गेट्स इरिटेटेड एंड अचानक से वो बस वहाँ से निकल जाते हैं। तो वही मैं बात करने के लिए उनके पीछे पीछे जाती हूँ कि क्यों किया सर आपने ये, मतलब क्या रीज़न था। तो फिर अगला सीन वहाँ पे होता, तो बस ये सीन इतने मतलब इसी मैटर